हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर डी ब्रेंस। सो गाइस, आज का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो प्रैक्टिकल है वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। गाइस, अगर आप चैनल से जुड़े होंगे और मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो मैंने आपको पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर का वीडियो दिया था और उसमें समझाया था कि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसका आप पोलैरिटी कैसे डिसाइड कीजिएगा और एडिटिव हो रहा है या सब्ट्रैक्टिव हो रहा है, उन चीज़ों का आप पता कैसे कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी होता है। जब आप पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जब करते हैं उस केस में आपको जो है ये पोलैरिटी बिल्कुल पता होना चाहिए उन दोनों ट्रांसफार्मर का। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पोलैरिटी टेस्ट जो है ऑपरेशन वो करते हैं दोनों ही ट्रांसफार्मर में और पोलैरिटीज हम लोग पता करते हैं। अब देखिए, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों पड़ता है? इसका जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि कोई जगह है या फिर कोई एरिया है वहाँ का अगर क्या हुआ है कि लोड बढ़ गया है। अब लोड जब बढ़ गया है तो अगर ये एरिया जो है इस ट्रांसफार्मर के जरिए क्या है कनेक्टेड है, सिंगल एक ट्रांसफार्मर है उसको इसके साथ या इस ट्रांसफार्मर से क्या किया गया है सप्लाई दिया गया है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर कंज्यूमर्स बढ़ गए, जब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर पे क्या पड़ने लगेगा, लोड पड़ने लगेगा ज़्यादा। जब लोड इसमें ज़्यादा पड़ने लगेगा उस केस में क्या होगा कि इसका एफिशिएंसी तो जो है सो है, लेकिन बट इसको वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए ऐसा कुछ स्थिति हो जाएगा कि आपका पेट ऑलरेडी जो है भर चुका है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा फूड अब आप खाने लगेगा तो क्या होगा। उसी तरह का जो है चीज़ यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का हालत हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर और लाते हैं ताकि लोड जो है वो शेयर कर ले, क्या करे तो लोड जो है ये शेयर कर ले। अब आपको एक बात तो ध्यान होगा, हाउस होल्ड डोमेस्टिक में जो पर्पस में यूज करते हैं जनरली 230 वोल्ट देते हैं हम लोग। अब 230 वोल्ट पैरेलली आपको कनेक्शन इसलिए करना है क्योंकि आपको 230 से ज्यादा आपको करना नहीं है, हाँ, बट आपको लोड क्या करना है, लोड शेयरिंग करना है। तो एम्पियर जरूर आपका ये अपना ये एम्पियर देगा, ये कुछ अपना एम्पियर देगा, उस केस में क्या होगा जो क्यूमुलेटिव आपका जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है 4 एम्पियर करंट दे रहा था, ठीक है, और ये इस ट्रांसफार्मर को हमने इसके साथ पैरेलल जब कनेक्ट कर दिया तो ये भी क्या करेगा, जब सेम रेटिंग का है और सेम जो इसका इम्पीडेंस है तो ये भी 4 एम्पियर ही करंट देगा, और जब दोनों को आप ऑपरेशन कर दीजिएगा पैरेलल में तो दोनों मिला के 8 एम्पियर दे देगा लोड को, ठीक है। तो लोड क्या हो गया, अभी लोड इसमें इंक्रीज भी आप करने लगे, जब हमारे यहाँ कंज्यूमर्स बढ़ने भी लगे हैं उसके बावजूद भी ये हमारा बहुत अच्छे से दोनों जो ट्रांसफार्मर है वर्क करता है। इस वजह से हम लोग जो है पैरेलल ऑपरेशन करते हैं और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए भी यूज करते हैं। और कभी ये भी होता है, जैसे मान लेते हैं दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में है, दो ही नहीं है, 3-4 भी जो है पैरेलली कनेक्ट किया जा सकता है, तो हो सकता है कि एक ट्रांसफार्मर आपका यूज में नहीं है या फिर कुछ इसमें खराबी आ गई है, उस केस में आप इस ट्रांसफार्मर से यूज ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इसको मेंटेनेंस में डाल दिया जाएगा और इसको सर्विस करके मेंटेनेंस करके फिर दोनों को चालू कर दिया जाएगा। तो इस बीच क्या हुआ कि आपका लोड जो है वो मतलब उसको मिलता है, ट्रांसफार्मर जो है इसको सप्लाई देता रहा, मतलब जो पावर जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पर्पज से भी हम लोग जो है यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल आप लोग जो अपने लेबोरेटरीज में कैसे कीजिएगा, देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ एक ट्रांसफार्मर 1 ले लिया है, TF1 1 KVA का लिया है, और ये ट्रांसफार्मर दूसरा है जो कि 1 KVA, ये भी है सेम रेटिंग हमने रखा है यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग यहाँ दिख पा रहा होगा, ये जो ट्रांसफार्मर 1 है इसका HV साइड है और ये है आपका LV साइड है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है। उसी तरह ट्रांसफार्मर दूसरा लिया है हमने और ये हो गया HV साइड और ये हो गया LV साइड, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए इंटर कनेक्टेड सिस्टम, दैट मीन्स कि आपका जो ये पैरेलल ऑपरेशन जब हम लोग ट्रांसफार्मर का करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पोलैरिटी आप लोगों को डिसाइड करना होगा। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख पाइएगा, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ की पोलैरिटी चेक करने बताया हूँ। तो देखिए जब हमने जो पोलैरिटी डिसाइड कर लिया कि ये प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, ठीक है, तो अभी प्लस वाले को प्लस के साथ यहाँ कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, और ये माइनस वाला जो टर्मिनल पॉइंट है इसको यहाँ माइनस में कर देते हैं। ये भी जो ट्रांसफार्मर इसका भी HV साइड है, ये LV साइड है, उसी तरह से ये जो LV साइड है फर्स्ट ट्रांसफार्मर का यहाँ प्लस वाले को प्लस के साथ कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस वाले को हमने क्या किया, प्लस के साथ कर दिया है, और ये माइनस वाले को हमने किससे कर दिया है, माइनस वाले के साथ कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब रही बात सप्लाई की, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ से सप्लाई हम लोग देते हैं, वेरिक से भी आप दे सकते हैं मेंटेन करने के लिए, वैल्यूज को एग्जैक्ट निकालने के लिए। यहाँ हमने डायरेक्टली क्या किया, सॉकेट में लगा दिया है और जो है यहाँ सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल्स को आप जो है इस पॉइंट पे भी दे सकते हैं, मतलब ये पूरा जो है एक ही साथ सॉर्टेड है ना, तो आप मैं इस पॉइंट पे लिया हूँ,
ठीक है, इस जगह में मैंने लाइन दे दिया और इधर से न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे दे दिया। अभी क्या हुआ मेरा कि ये पोटेंशियल तो बिल्कुल सेम है, प्लस वाला प्लस के साथ दोनों दोनों को क्या मिल रहा है, यहां से सप्लाई मिल रहा है। अब देखिए जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसके कारण यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसके कारण यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या किए, यहां पे भी कनेक्शन किए हुए हैं और ये जो एंड है, ठीक है, ये प्लस वाला एक टर्मिनल को हमने लोड के टर्मिनल दे दिया, ये हमने यहाँ पे जो है बल्ब्स का यूज कर लिया है, ऐसे प्रैक्टिकल जो, तो हमने यहाँ पे जो है लोड के रूप में बल्ब का इस्तेमाल कर लिया है। और ये जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ जो है बल्ब्स होता है, जो कि 100 वाट या 200 वाट का जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ लोड आपको अब देना होगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ अब सप्लाई दे दिया और सप्लाई देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोड देंगे, ठीक है। और जो लोड हम लोग यहाँ पे देंगे, कहने का मतलब जो है स्विचेस आपको ऑन करने होंगे यहाँ पे, और जो लोड जब आप दीजिएगा तो क्या होगा कि ये बल्ब जो है क्या हो जाएंगे, ग्लो करने लगेंगे। और बल्ब जब ग्लो करेंगे तो आपको यहाँ एमीटर, देखिए एक मैं एमीटर लगाया हूँ लोड के साथ, लोड के सीरीज में लगाया हूँ, दूसरा एमीटर जो A1 है ये मैं लगाया हूँ ट्रांसफार्मर के, जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लगाया हूँ, ओके। और जो ट्रांसफार्मर नंबर 2 है इसके भी सेकेंडरी वाइंडिंग के मतलब कि ये जंक्शन के पहले लगाया हूँ A2, ठीक है। और ये हो गया A जो कि हमारा टोटल करंट बताएगा, ये एम्पियर। तो क्या हुआ गाइस, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको इस स्विच को ऑन करा तो लोड जब मतलब कि आपने इस ट्रांसफार्मर, इन दोनों ट्रांसफार्मर को जब दिया, उस केस में यहाँ कुछ रीडिंग आएगा और ये जो प्रैक्टिकल मैं किया था वहाँ पे 1.24 समथिंग यहाँ पे जो है आप लोगों को ये एम्पियर दिखाया था, ठीक है, 1.24 एम्पियर। और चूंकि मैंने सभी रेटिंग्स वगैरह सभी सेम लिया है तो ये भी एमीटर जो है 1.24 एम्पियर यहाँ पे दिखाया था वैल्यू। और इन दोनों का जो समेशन आया था वो कितना आया था यहाँ पे, तो इसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये समथिंग हो जाएगा 842, तो ये 2.48 एम्पियर टोटल जो है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा था। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, मुझे ये पता चला इस पैरेलल ऑपरेशन से कि ये जो ऑपरेशन जो मैंने किया, जो लोड जो दिया है, तो यहाँ पे 220 ये भी सप्लाई करेगा, 220 ये भी 220 सप्लाई करेगा, लेकिन करंट क्या है, अगर इस लोड को जैसे अभी देख पा रहे होंगे लोड कितना, इस लोड को कितना करंट चाहिए, 2.48 एम्पीयर चाहिए, है ना, इसको 2.48 चाहिए, तो ये आधा ये दे दिया और आधा ये दे दिया। तो अभी क्या हुआ कि अब आप जो कैपेसिटी पहले था, अभी मान लेते हैं एक ही ट्रांसफार्मर रहता तो क्या होता, पूरा का पूरा 2.48 लोड किसको देना पड़ता, सिर्फ सिंगल ट्रांसफार्मर को देना पड़ता, पर यहां पे क्या हुआ लोड जो है बट गया, क्योंकि कुछ एम्पियर इसने दिया और कुछ एम्पियर इसने प्रोवाइड कर दिया इसे। उसी तरह से जब यहाँ पे और भी लोड आप बढ़ाते चलते हैं, उस केस में दोनों जगह से शेयरिंग होकर के एम्पियर आता जाता है लोड्स में, और इस तरह से हमारा क्या होता है कि पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जहां कि यहाँ इसका एडवांटेज बस यही है कि आप इन दोनों को, ये दो ट्रांसफार्मर हम लगा करके हम लोग लोड जो है अच्छे से शेयर कर देते हैं, और हाउस होल्ड या फिर जो आपका डोमेस्टिक सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और कभी ब्रेकडाउन हुआ एक, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा वाला अल्टरनेटिवली वर्क करता है, या ये गड़बड़ हुआ तो ये वाला काम करेगा, ये चीजें हैं। अब इन चीजों को देखिए, अभी एक सिंगल ट्रांसफार्मर को हटा करके आप बड़े ट्रांसफार्मर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लोड ही तो आपको शेयर करना है ना, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि 1000 किलोवाट किसी जगह का आपको रिक्वायरमेंट था, लेकिन बढ़ गया है, अभी मान लेते हैं कि 1500 अभी किलोवाट अभी आपको सप्लाई पूर्ति करना है, ठीक है, देना है, उस केस में हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना लोड ही नहीं दे पाएगा ये, तो उस केस में हम लोग नया ट्रांसफार्मर लगाना होगा हायर कैपेसिटी का। तो हायर कैपेसिटी थोड़ा इफेक्टिव तो होता ही है, बट कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इफिशियंट नहीं हो पाता है, तो पैसा ज्यादा उसमें लग जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव जो है पैरेलल जो है ऑपरेशन करते हैं, एक इसी तरह का सिमिलर ट्रांसफार्मर ला करके हम लोग पैरेलली इस तरह से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा गाइस कि एम्पियर का मेनली यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ। एक चीज और यहाँ पे चीजों को समझ लीजिए, जैसे कि ये बिल्कुल काम कैसे करता है, जैसे कि सेल होता है, सेल को हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक सेल का इस पोलैरिटी को प्लस को प्लस के साथ मिला दिया, माइनस को माइनस के साथ जब मिला दीजिएगा तो क्या होगा, ये आपका जो टोटल ओवरऑल जो ये बैटरी कहलाएगा कितना का होगा, वोल्टमीटर लगाते हैं तो 5 वोल्ट का ही होगा, है ना। बट एम्पियर क्या करेगा, ये एम्पियर का वैल्यू बढ़ा देगा। तो यही है सिंपल, सेम टू सेम, इससे आप कॉम्बिनेशन इसको आप इन चीजों से कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब एक क्लिप है, क्लिप में आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो एज पर सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे वायर्स का कनेक्शन कर लिया है, जहाँ कि ऊपर के जो टर्मिनल्स देख रहे हैं वो हमारा एच बी साइड है, जैसे कि प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ किया है, और नीचे के जो टर्मिनल्स है उसको भी हमने शॉर्ट कर लिया है प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ। और गाइज यहाँ पे जो नीचे का जो टर्मिनल है जो कि एल बी साइड, उसमें हमने लोड दिया है जो कि बल्ब देख पा रहे होंगे, जो कि आपका एल बी साइड आपका यहाँ पे हमने दिया है, और जो एच बी साइड है ऊपर जो है उसमें हमने सप्लाई दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है क्लैंप मीटर के सहारे से हम लोग ट्रांसफार्मर वन में जो है मीटर, दैट मींस कि आपका जो करंट का रीडिंग मेजर कर रहे हैं, और फिर ट्रांसफार्मर टू में भी हम लोग मेजर कर रहे थे, तो 1.24 आया और दूसरे वाले में भी 1.24 आया। तो ओवरऑल जो यहाँ पे क्लैंप मीटर ने जो लोड में जो दिखाया वैल्यू वो था हमारा 2.48, दैट मींस कि लोड हमारा शेयर हो गया, और ये हमारा पूरा परफॉर्म हमने किया पैरेलल ऑपरेशन। थैंक यू गाइस, चैनल सब्सक्राइब।